है कि इंडियन जीडीएस पोस्ट के लिए जो कि उसका रिजल्ट जो है 2023 में जो फॉर्म भरा था उसका रिजल्ट जो है यहाँ पर आ गया मेरिट बेसिस। तो उसे कैसे चेक करना है कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना जहाँ पे हम जाते हैं अक्सर की fastjob.com या कहीं भी इसके सरकारी रिजल्ट या किसी भी वीडियो में जाके, हम स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो उसमें जाके आपको ये मुझे ईजी लगता थोड़ा सा वेबसाइट बढ़िया यहाँ पे, तो fastjob.com यहाँ पे थोड़ा जल्दी खुल जाता है। तो मुझे थोड़ा सा यूनिक इसका स्टाइल वगैरह कंटेंट वगैरह, तो हम यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाके उसके बाद देख लीजिएगा ऊपर में जो न्यू अपडेट वाले सेक्शन में यहाँ इंडियन जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन जीडीएस करके है, यहाँ पे देखिए इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट आउट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आ जाइए। यहाँ पर नीचे आने के बाद सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे कुछ स्टेट वाइज सर्कल वाइज है, यहाँ पर देखिए आपको सर्कल दिख जाएगा। यहाँ से सर्कल देखिए, ये आंध्र प्रदेश का इस लिंक से डाउनलोड है, उसके बाद यहाँ असम का यहाँ से डाउनलोड, बिहार यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड, छत्तीसगढ़ को यहाँ से कर लीजिएगा, आपको दिल्ली को यहाँ से मिल जाएगा और गुजरात को यहाँ से मिल जाएगा। तो सारे लिंक को आपको आराम से यहाँ से कर सकते हैं। तो मुझे जैसे कि झारखंड का किसी का देखना है तो झारखंड का इस लिंक से यहाँ से बड़े आसानी के साथ झारखंड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो झारखंड वाले रिजल्ट पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये एक पीडीएफ मुझे डाउनलोड होगा, तकरीबन तकरीबन ये 50 से 59 पेज का पीडीएफ है, 59 पेज का, सॉरी यहाँ पे 59 पेज। अब यहाँ से हमें सर्च करना, तो कंट्रोल एफ करके यहाँ से हम सर्च कर ले सकते हैं, या फिर यहाँ कंट्रोल की लैपटॉप में अपने जाइएगा तो वहाँ पे फाइंड का भी ऑप्शन पीडीएफ में मिलेगा, या फिर लैपटॉप से आप डायरेक्ट मारते हैं तो विंडोज प्लस एफ मारते हैं तो यहाँ पर आपको फाइंड आ जाएगा। अब इसमें नाम जो कि आप जो भी सर्च करते हैं तो वो यहाँ से सर्च करने के बाद दिख जाएगा, राजू मुकेश जो भी, तो वो आपको देखिए ये उठाया है नंबर, देखिए किस बेसिस पर उठाया है, हालांकि जीडीएस का जो फॉर्म भरा था उसका देखिए नंबर किस बेसिस पर, ये देखिए बी देवघर डिवीजन का झारखंड में 97.8% से उठाया है, ये नंबर इसका है, ये कोई एसटी कैटेगरी से, ये सारे जो है झारखंड बोर्ड या अदर बोर्ड के ही होंगे। दूसरा देखिए ये डिवीजन है, ये गुलाब कुमार दास है, इसका 100% सीबीएसई बोर्ड से, ये 100 में 16 आए थे। ये अब आ जाइए यहाँ पे फिर से एक देवघर देखिए 97 पॉइंट समथिंग है, 100 नंबर फिर से यहाँ, ये क्या हो रहा है, 100 आउट ऑफ 100 मार लिया ओबीसी। तो ये जीडीएस फॉर्म जो कुछ मंथ से लगता है इसमें क्या, मुझे ये 98 97 से ऊपर जितने भी लाता था उस पर डाउट होता है, पता नहीं ये 100% सही है। ये देखिए पोस्ट देखिए नंबर आप देखिएगा इतने परसेंट की 98.57, यानी कि ये लगभग लगभग 1.5% कट ऑफ 100% से, ये इस टाइप से इसका रिजल्ट कट ऑफ उठा है। तो इसमें बिहार बोर्ड के कैंडिडेट है या अदर बोर्ड के कैंडिडेट का उम्मीद उम्मीद ही कम है। अब ऐसे कैंडिडेट हम नीचे करते जाते हैं, देखते हैं भाई कितना लास्ट कितना है बाकी कैंडिडेट, इसका एग्जाम होना चाहिए, इस बेसिस से अगर उठाता तो वैसे कैंडिडेट के लिए फॉर्म नहीं, जो कि एक भी फॉर्म में जो कि 70% 60% का रिजल्ट ही नहीं। अब ये क्या हो रहा है, किस बेसिस मेरिट बेसिस उठाया जा रहा है, किस आधार एल्गोरिथम है, या ये 95 96 97 98 इस बेसिस से ही उठा रहा है। अब आ जाते हैं इसके, हम देखते हैं कि क्या है इसका जो मेन देवघर में वेरीफाई करना है झारखंड में, ये सारा कुछ अभी वेरिफिकेशन में जाएगा, उसके बाद इसका फाइनल लिस्ट बनेगा मेरे ऑर्डर। तो यहाँ पर आप जिस भी सर्कल से वहाँ का आपका, अब आ जाते हैं बिहार में थोड़ा देख लेते हैं, बिहार में भी इसका रिजल्ट का क्या खेल चल रहा है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा ये मजाक है क्या है रियलिटी इसमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये बहुत बड़े यहाँ पे 100% आया नंबर, 99 पॉइंट समथिंग आया, ये 100 आउट ऑफ 100 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ये नंबर बेसिस का खेल कब तक चलेगा, इसमें तो वही छात्र, और आप तो जान रहे हैं पोस्ट ऑफिस वगैरह का इसमें तो छुपा हुआ नहीं है बिहार में। तो इसके लिए मैं इसके लिए पोस्ट ऑफिस का ये जो वैकेंसी स्टूडेंट से रिकमेंड करते हैं, आप ना तो इसमें भरिए ज़्यादा ना तो इस पे ये दीजिए, ये आप नंबर देख लीजिए इसका खेल क्या चल रहा है, ओबीसी ईबीसी एससी एसटी देखिए इस पे नहीं बना रहे, मुझे जब जब फॉर्म भरते हैं देखते हैं तो इसमें तो मजाक ही लगता है 100% 100% ये। अब ये क्या एक्चुअल है इसके बारे में, और हम कंप्लीट जानकारी आगे की वीडियो में देंगे, तो आपको क्या इसके बारे में सुझाव आप कमेंट करके हमें बताएं, क्या इस टाइप से या कंपटीशन के दौर में, आज के दौर में कंपटीशन जितना है तो उसमें क्या एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए जीडीएस को या नहीं, तो आप हमें कमेंट करके सुझाव करें। तो आज के लिए बस इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।